नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको हॉलीडे टेस्ट कैसे होता है और ये क्यों करते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हॉलीडे डिटेक्टर मशीन है। ये 20 KV इसकी रेटिंग है और ये इस जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये स्टील पाइप्स है, ये आयरन पाइप्स है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, एक इंसुलेशन लगाते हैं। ये इंसुलेशन लगा के इसकी ठीक है इंसुलेशन लगा के लगाने के बाद इसकी चेक करते हैं कहीं इंसुलेशन ब्रेकडाउन तो नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि रॉड पे ये जो पाइप आपको दिख रही है ना दोस्तों, ये पाइप में ये 12 KV का वोल्टेज अप्लाई किए हैं, वो नेगेटिव वोल्टेज रखा है उन्होंने। और ये जो रॉड आपको दिख रही है ना, ये इसको पॉजिटिव वोल्टेज दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें ये पता करना है इंसुलेशन ब्रेकडाउन है कि नहीं इसका, तो जब ये रॉड पॉजिटिव चार्ज रॉड कहीं कांटेक्ट बना लेगी नेगेटिव चार्ज से, जब ये पाथ बन जाएगा तो इसमें एक बीप की साउंड आएगी, अलार्म आएगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसे। तो हमें ये पता चलता है कि इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया, ये ठीक नहीं है, फिर ये रिजेक्ट हो जाता है। इसी को चेक करने के लिए, इसी को डिटेक्ट करने के लिए इस मेथड को हम कहते हैं हॉलीडे डिटेक्टर टेस्ट। तभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीप की साउंड आती है। देखिए दोस्तों अभी आपको बीप की आवाज़ आएगी जहाँ इंसुलेशन ब्रेकडाउन होगा वहाँ पे। देखिए अभी इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, करिए, देखिए बीप की साउंड आ रही होगी, आप सुन रहे होंगे। थोड़ा इधर टच करिए, देखिए यहाँ नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ इंसुलेशन प्रॉपरली लगा हुआ। एक बार और उधर जाके दिखाइए, देखिए बीप की साउंड आ रही है। एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जहाँ कोलैप्स हो रहा है तो वहाँ में बीप की साउंड आ रही है। थैंक यू।